इस अभागेकरण के शिविर में मैं राजमाता महारानी कुंती को देख रहा हूं। बड़ा अचंबा सा होता है, राजमाता कुंती ये सूत पुत्र करण आपके चरणों में प्रणाम करता है। प्रणाम दानवीर करण, लेकिन आज ये कुंती तुम्हें एक भेद बताने के लिए आई है, ऐसा भेद जिससे आज तक तुम वाकिफ नहीं हो, जो हमेशा एक राज बन के रह गया है, क्या तुम सुनना चाहोगे? लेकिन महारानी कुंती, क्या आपको ये पता नहीं है कि मैं आपके बेटों के खिलाफ लड़ रहा हूँ? पता है। क्या आपको ये पता नहीं है कि मैं उस सेना का प्रधान सेनापति हूँ जो आपके पुत्रों के खिलाफ है, दुर्योधन की सेना है? पता है। ऐसे मौके पर आप मुझे भेद बताने आई हो, इसका मतलब मैं क्या समझूं? मतलब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तेरे पास चली आई, और ये बताने के लिए कि जिसे तुम बार बार अपने मुख से महारानी कुंती कह रहे हो, वो महारानी होने के साथ साथ तुम्हारी सगी माँ भी है करण। तेरे जीवन की यही सच्चाई है कि तू कोई सूत पुत्र नहीं है, तू कुंती पुत्र है। लाटे, तू कौंते है, तू क्षत्रिय है। महारानी कुंती, हाँ क्या कहा आपने? मैं कौंते हूँ? हाँ करण। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ? हाँ बेटा। लेकिन तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ महारानी कुंती। अगर मैं ये भी मान लूं कि तुम मेरी माँ हो, मैं ये भी मान लूं कि तुमने मुझे जन्म दिया है, तब भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी पहचान राधे से है, मेरी माँ राधे है। मैं और ये तो तुम भली भांति जानती हो कि वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। वो तो मेरे लिए भी आदरणीय है। मैं मानती हूँ कि जन्म देने वाली माँ से ऊंचा दर्जा पालने वाली माँ का होता है। मैं उन्हें गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन उनके साथ साथ ये ही बता रही हूँ कि जो तुझे जन्म देने वाली माँ है वो कुंती है करण। महारानी कुंती, आपकी बातों को सुनकर के मुझे अचंबा होता है, और मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण, कोई सबूत ऐसा है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बेटे ने अपनी माँ से माँ होने का प्रमाण मांगा हो, और आज से पहले इतिहास में मैंने कभी नहीं सुना कि जिसकी आयु इतनी हो गई हो कि उसने खुद संतान की उत्पत्ति कर ली हो, तब एक माँ ये बताने के लिए आई है कि तू मेरा बेटा है। मैंने भी कहीं इतिहास में नहीं सुना। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन आज मैं तुझे जीवन की वो सच्चाई बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं तेरी माँ हूँ, कैसे तू मेरा बेटा है। और ये भी बताओ, अलग सवेरे तुम मेरे पास किस कारण से आई हो, तुम मुझसे चाहती क्या हो? वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लाडले, एक बार इस अभागन माँ को अपने मुख से माँ कह के बोल लाडले, एक बार माँ कह मुझे, फिर मैं सारी बात बताऊंगी। यह संभव नहीं है राजमाता, आप बहाने मत बनाओ। मेरी जो माँ है उसे ही माँ रहने दीजिए, आप जो कहने आई हो वो अपनी बात कह जाइए। सुन ले करण, मैं सब तरिया लाचारी हुई, मेरा जीरो वे जड़ क्या कहते, मन भर जागा मान करण मुझे कुंती आके मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती आके मां कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई, हो सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो में उड़ का कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती आके। Yeah.
दोष लग्या है मेरे कर्म के मारे ते। हृदय गुलर कमारे ते लाख छुपाओ ना छुपती है लाख छुपाओ ना छुपती है जो दिल की बात निभा के दे रमन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मां के दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे अगर नहीं है तो आप बताती हूँ कि कैसे हूँ मैं तेरी माँ, कैसे मैंने तुझे जन्म दिया। और ये भी बताइए अगर तुम मेरी माँ हो हाँ तो मेरा पिता कौन है, जानना चाहते हैं? वो भी सच्चाई बताइए। वो भी बताऊंगी, सुनो। वशीकरण मंत्र दिया और ये कहा कि बेटी कुंती इस मंत्र का जाप जिस समय जिस देवता का नाम लेकर के तुम करोगी वही प्रकट होंगे और उन्हीं के वरदान से उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने उस वशीकरण मंत्र पर विश्वास नहीं किया। अच्छा। और उसे आजमाने के लिए क्वारी अवस्था में ही सूर्य देवता का नाम लेकर के जाप कर दिया। सूर्य देवता प्रकट हुए, आशीर्वाद देके चले गए। जिस समय सूर्य देवता गए उसी क्षण में गर्भवती हो गई। अच्छा। और मेरी कोख से तू पैदा हुआ। जिस समय मैंने तुझे जन्म दिया उस समय मेरी अवस्था क्वारी की थी। लेकिन राजमाता कुंती, अगर मैं इस बात पे भी भरोसा कर लूं कि मैं सूर्य पुत्र हूं और वशीकरण मंत्र के द्वारा तुम्हारे उदर से पैदा हुआ हूं, तो क्या जन्म देने के बाद मेरी लालना पालना करना, मेरा पालन पोषण करना क्या तुम्हारा धर्म और कर्तव्य नहीं बनता था? बनता था, लेकिन मैं तुझे जन्म देके एक गलती कर बैठी करण, वो भी सुनने में क्या कर बैठी। भक्ति भाव भजन सेवा करे
तेरे हाथ से मोती में लोक लाज और भय के कारण कात रहा न सोदी में करण सौंप के आई तुझे उसे गंगा जी की गोदी में जागा मान करण मुझे कर कर दीना के।